फ्रेश लगता नहीं और पूरा बदन दर्द कर रहा है। तो इसके बारे में मैं बातचीत कर रहा हूं आपसे। एक केस प्रेजेंटेशन है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। अभी ये जो व्यक्ति मेरे पास में आए, उनकी उम्र करीब करीब 40 साल की है, प्राइवेट सर्विस कर रहे हैं और 15-20 साल से उनको तकलीफ है, मगर 2 महीने से बहुत ज्यादा हो गई। 15-20 साल से वो तकलीफ सहन कर रहे, चल रहा है, इतना अच्छा नहीं है, कुछ ना कुछ तकलीफ हो रही है, थोड़ा बहुत होम्योपैथिक दवा ले लेते हैं, अच्छा हो जाता है, मगर अभी ज्यादा हो रहा है 2 महीने से। तो हुआ क्या, 2 महीने पहले तो उनको बुखार आया, बुखार आया, बुखार की दवाई लिया तो उसका ठीक हो गया बुखार। फिर बाद में उनको ऐसा लगता है कि अपना पूरा बदन जो अंदर से गर्म है, कोई हाथ लगाता है तो लोगों को लगता है लोगों तुम्हें ठंडा है, कुछ तो बुखार बिखार तो कुछ भी नहीं, ठंडा है, तो बाहर लोगों को ठंडा लगता है, उनको अंदर लगता है कि अपने को बुखार है, बोलते हैं नहीं टेम्परेचर लो, देखो मेरे को बुखार है। फिर उनकी पीठ दर्द करती है, उदासीनता है, फ्रेश बिल्कुल ही लगता नहीं है, ये पहले से तो अभी 2 महीने से बहुत ज़्यादा हो गया। फिर नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा विचार आते, नींद कम है, भूख लगती नहीं है, खाना कम खाते हैं, फिर पेट में बहुत गैसेस हो जाते हैं और अपचन होता है, कुछ भी खा लिया तो पेट बहुत फूलेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा और लगता है कि अभी डाइजेशन होगा नहीं, और उनको फिर खाने का भी डर लगता है कि भाई खाने के समय अभी इसके बाद में जो तकलीफ होंगी ना खाने के बाद में, तो उससे वो बोलते खाना ही नहीं खाना है। तो फिर खाना कम खा लिया तो फिर अभी वजन कम हो रहा है, इधर उनको सूझता नहीं है, मतलब कन्फ्यूजनल है, ज़्यादा फटफट निर्णय ले सकते नहीं है, उनको ख्याल नहीं रहता और निर्णय नहीं ले सकते, सूझता नहीं कि अभी क्या करना चाहिए। पित्त हो जाता है, मतलब एसिडिटी होती है और पित्त खवलता है, वो ऐसा ऊपर ऊपर आता है, गले तक आ जाएगा, नींद नहीं आती, और ये जो लक्षण है ये कम ज़्यादा होते रहते, बेचैनी होती रहती है, पसीना आ जाएगा, उनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ की दवा चालू है, और उनको स्टूल्स में मतलब संडास में आव गिरती है, चिकट हो जाती है, आव गिरती है, कभी कभी जो स्टूल्स है संडास वो ब्लैक होती रहती, काले रंग की होती रहती है। दिन में वो कम से कम 7-8 बार तंबाकू खाते हैं, तंबाकू की बहुत लत है, और तंबाकू नहीं खाया तो फिर बेचैनी, रेस्टलेसनेस, डायबिटीज कंट्रोल में गोलियां खाते रहते हैं, मगर डायबिटीज तो है ही और गोलियां खाने के लिए तो मतलब कम से कम कंपलसरी है वो। और उन्होंने ब्लड टेस्ट किया, फिर एब्डोमिनल का मतलब सब टेस्ट किया, यूएसजी एब्डोमिन किया, गैस्ट्रोस्कोपी किया, ऐसा कुछ निकला नहीं, स्टूल की एग्जाम किया तो उसमें भी कुछ निकला नहीं, और फिर उनको लगता है कि अभी कैसा होगा। जब 15-20 साल से है, डायबिटीज भी था पिछले 5-6 साल से, अभी 2 महीने से ज़्यादा हो गया, तो मैंने कहा ठीक है, अभी आपको जो घबराहट बैठी हुई है, बुखार, हो सकता है कि आपका कोरोना दिमाग में घुस गया होगा। तो उनको फिर कोरोना के बारे में पूछा, बोलते हैं हाँ मुझे लगता है, क्योंकि मैं एक व्यक्ति के संपर्क में आया था 2 महीने पहले, जो डॉक्टर के पास में मैं गया था दवाई के लिए, तो वहाँ एक व्यक्ति है उसको कोरोना निकल गया, तो मुझे तब से कोरोना का डर लगा, मतलब चलो पकड़ में आ गया कारण। तो फिर ये कोरोना का ज़्यादा उनको दिमाग में आ गया कि कोरोना हुआ अपने को, और फिर उससे ये ज़्यादा तकलीफ हो रही, अदरवाइज 15-20 साल तो ये बराबर चल रहे थे, मगर उन्होंने कोरोना का ऐसा खुद के नहीं बोला, पर दिमाग में एट द बैक ऑफ द माइंड वो चल रहा था, मतलब ठीक है हरकत नहीं, अभी आपको टेस्ट किया कि आपने कोरोना के बारे में नहीं किया, मतलब देखो जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपको कोई लक्षण भी नहीं है। कोरोना के लक्षण क्या है, कोरोना के 3 मेन लक्षण होते हैं कि भाई सांस लेने में तकलीफ है, खांसी है, बुखार है, और एक्सरे निकाल दे तो उसमें आपको निमोनिया के लक्षण दिखते हैं, तो ये कुछ भी नहीं है आपको, तो नथिंग, फिर क्यों चिंता करते आप। तो उनको जब आश्वस्त किया, मतलब आप मैं दवा देता हूँ, दवा ले लो, दवा से अच्छा हो जाएगा, तो दवा लिया, और उनको मैंने बोला हम 1-2 बार बात करेंगे, उन्होंने मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन किया, वीडियो कॉलिंग किया, उससे मैंने उनको बात करके उनके जो भी डाउट थे कोरोना के बारे में, जिंदगी के बारे में, बीमारी के बारे में, सब डाउट उनके मैंने निकाले, उनको काफ़ी अच्छा लगने लगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, आप हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, केळकर हॉस्पिटल में हमारी साइकेट्रिस्ट की टीम है, वो टीम ऑनलाइन कंसल्टेशन देती है और आपका इलाज करती है। हमारा मकसद है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आप हमारे पार्टनर बनिए। हमारा ऐप है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ फ्री चैटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। थैंक यू।